हेलो गाइस, इन्वर्टर कनेक्शन करना जितना ही आसान है, क्या इन्वर्टर रिमूव करना भी उतना ही आसान है? आप जितने इजी तरीके से इन्वर्टर को कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब भी आप बात आती है इसको डिसकनेक्ट के लिए, तो आप सोच में पड़ जाते हो इसको कैसे डिसकनेक्ट करना चाहिए, क्या प्रॉपर वे है इसको डिसकनेक्ट करने के लिए, क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम इसको डिसकनेक्ट करते हैं। तो दोस्त, आज के इस वीडियो पे वही कवर करेंगे, कैसे जो है आप इन्वर्टर को डिसकनेक्ट करते हैं। बेसिकली व्हाई वी रिक्वायर्ड इन्वर्टर डिसकनेक्ट, मतलब हमें इन्वर्टर डिसकनेक्ट करने के लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है। देखिए दोस्त, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि अभी आप जिस लोकेशन पे रखे हैं उस लोकेशन पे आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, बेडरूम से ड्राइंग रूम में लाना चाहते हैं, या ड्राइंग रूम से स्टोर रूम में ले जाना चाहते हैं, या आपकी इन्वर्टर खराब हो गई हो, या आपकी बैटरी खराब हो गई हो। कई सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से जो है आपको अपनी इन्वर्टर की वायरिंग जो है वो डिसकनेक्ट करनी पड़ती है। पहले जब शुरुआत में आपने लगाया था तब आप इलेक्ट्रिशियन के थ्रू आपने कनेक्ट करवा लिया था, लेकिन रात बिरात अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है और आपको लगता है कि मेरे को इसको डिसकनेक्ट करना है, तो कैसे हम इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पे वही हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है हम इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहते हैं। और फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो पे मैं सिर्फ बताऊंगा कैसे जो है अपने इन्वर्टर को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास इन्वर्टर यहाँ पे रखा हुआ है, बैटरी यहाँ पे रखा हुआ है और ये पूरा कनेक्ट है। ठीक है, इसी को हम बताएंगे कैसे जो है आपको प्रॉपरली डिसकनेक्ट करनी है, और डिसकनेक्ट करने के बाद आपकी घर की जो लाइट है वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो सारे आज वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो इन्वर्टर है इसकी मेन केबल को हमें बंद करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे आप सप्लाई देख रहे होंगे ताकि आपको पता चले कि वाकई में मैंने मेन सप्लाई बंद किया या नहीं किया। ठीक है, यहां से मैं मेन सप्लाई को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद मैंने जो टॉप है टॉप को भी रिमूव कर दिया है। देखिए मैंने रिमूव कर दिया, मेन इनपुट सप्लाई इन्वर्टर का मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे अभी हम इस वाले पॉइंट को भी बंद करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट आपकी जो आउटपुट लोड कनेक्ट है यहाँ पे इन्वर्टर के पीछे, उसको हमें रॉ पावर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने सप्लाई ली थी वो सारे यूपीएस पॉइंट है। ठीक है, अब जब हमने पीछे का अगर हम जब आउटपुट को निकाल देंगे तो सारे घर की आपकी लाइट बंद हो जाएगी, हमें उसको रॉ पावर में देनी है, यानी आपकी ग्रिड सप्लाई में आती है उसमें देनी है, या जो यूपीएस पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे तो वहां पे भी एक यूपीएस पॉइंट होगा, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल उसके लिए क्या करना होगा, जो भी आपका रॉ पावर है, जो आपकी स्विच है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहां पे एक लाइट लिया है, देखिए ये मैंने लाइट लिया है, और फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ यूपीएस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने यूपीएस पे कनेक्ट कर दिया, ये मान सकते हैं कि ये हमारी जो है यूपीएस की लाइट है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें बंद करना है। अगर मैं इस इन्वर्टर को पूरा बंद करूंगा डिसकनेक्ट करने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूंगा इसको मैं पूरा बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा तो क्या हुआ, हमारा घर का पूरी लाइट जो है वो डिसकनेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, जो पीछे आपकी इन्वर्टर की बैक साइड में जो आपकी टॉप है, कुछ इस तरह से जो है 6 एम्पीयर की टॉप कनेक्ट होगा आपके इन्वर्टर के बैक साइड में, इसको सिंपली क्या करना है, आपके जो भी पावर पॉइंट से जो केबल निकला है जिसमें टॉप लगा है, उसको आपको सिंपली रॉ पावर पे कनेक्ट कर देना है और सिंपली ऑन कर देना है, तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेन पहले ये काम तो करना है। इतना काम करने के बाद अब आपको बताता हूं आगे प्रोसीजर क्या करना है। अब आपका क्या हुआ, इन्वर्टर बंद कर दी मैंने पूरी तरीके से फुल, और आपकी जो भी इन्वर्टर पे लोड थी वो सारे कन्वर्ट हो गए आपके रॉ पावर पे। ठीक है, अब हम बैटरी को इजिली डिसकनेक्ट कर सकते हैं अपने यूपीएस से। बट बिफोर दैट आपके मेन बंद होने चाहिए, मेन इन्वर्टर बंद होना चाहिए, आउटपुट हमारा कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सिंपली प्लस और एक पेचकस के मदद से या रेंज की मदद से बैटरी टर्मिनल को हम डिसकनेक्ट करेंगे। ठीक है, बैटरी टर्मिनल को डिसकनेक्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इन्वर्टर को मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी दिखे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको शायद दिख रहा हो, ये मैंने बैटरी को आगे खींच लिया है,
इसके बाद आपको क्या करना है, इस बैटरी के दोनों कैप्स को रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरह से हम कैप्स को रिमूव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, वन बाई वन हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो पॉजिटिव वाली जो टर्मिनल है इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बैटरी चार्ज है, बहुत ही सावधानी से करनी है आपको, कहीं पे भी अर्थ नहीं होना चाहिए या न्यूट्रल के साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, सॉरी फ्रेंड्स रेंज गिर गया था, इसको हमें ओपन करना है। ठीक है, लेकिन जब आप ओपन करेंगे ना तो अब पहली बार जब स्पार्क होगा, ठीक है, इसको हाथ से भी आप कर सकते हैं, और इस वाली वायर को आप पूरा खींच के रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले बोल्ट को ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे खींच देना है। सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल तो इससे रिमूव कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या क्या, अभी पॉजिटिव वाली टर्मिनल को हमने निकाल दिया है, अब सेम एज इट इज हम नेगेटिव वाली टर्मिनल को भी रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से भी इसको भी रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर इसका भी है, बस सिंपल से इसकी नॉब को, नट को ढीला करना है और इसको बाहर कर देना है, और बस बहुत ही सिंपल इजी स्टेप होता है। आप घर पे भी इजीली, आप आपके पास अगर टूल है तो आप घर पे कर सकते हैं इसको। देखिए, बहुत लोग ने तो आपको बताया है कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना होता है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर वे से बताते हैं आपको इन्वर्टर कैसे डिसकनेक्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने यहाँ पे दोनों टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दिया है, अपने इन्वर्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। हमारा इन्वर्टर अब बैटरी से बिल्कुल 100% डिस्कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा केबल है जो बैटरी टर्मिनल है, और मैं अगर इसको घुमा के भी दिखाऊं, ये देखिए पीछे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये हमारी मेन इनपुट केबल, ये हमारी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इसको चाहे हम एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करें, चाहे अब हमारी इन्वर्टर खराब हो गई हो उसको हम रिप्लेस करें, या हमारी बैटरी खराब हो गई हो उसको हम रिप्लेस करें, तो इजीली जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो चीज आप ले आओ और घर पे दोबारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट करना भी सो सिंपल होता है, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे डिस्कनेक्ट करना है सेम प्रोसीजर आपका कनेक्शन का भी होता है, बट कुछ चीज का आपको ध्यान रखना होता है वहां पे। उसके लिए ऑलरेडी एक मैंने वीडियो क्रिएट किया है, आप उस जाकर वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां से आप समझ जाओगे कैसे इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आपने जाना कैसे जो है हम इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो घर में यूपीएस सप्लाई है उससे, और कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उस चीज को, और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो कर दो जाने से पहले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।